लेकिन जा रही है वो झाड़ू पोछा लगाने एज यूजुअल, जो कि उसका काम है। और मेरी मम्मी पीछे से मेरे को बोल रही है बाई वाह झाड़ू पोछा लगाना। बारिश का कहानी सुनना लिटरली फ्रेंड्स, साहिबा तो ऐसे रूम में सोई थी जिसमें पता नहीं चलता है बारिश का, और हम लोग जिस रूम में सोए थे ना, ऐसा मुझे रात में फील हुआ कि बारिश मतलब वो छत को छेद करके आ जाएगा हम लोगों के ऊपर घर से। इतनी बारिश हुई है यहाँ पे, इतनी बारिश मतलब 10 बजे से जो रात से बारिश स्टार्ट हुई है तो समझिए 3-4 बजे भोर तक बारिश स्टार्ट हुई। और हमारे घर का तो पानी का क्या ही किस्सा बताओ फ्रेंड्स, एनसीएल के भरोसे तो कुछ चीज़ नहीं हो सकता है। उसने पीछे की जो हम लोगों के मतलब घर के जो पीछे का नाली है उसने इतना बर्बाद बनाया है कि क्या ही बताऊँ आपको। तो फिर एनसीएल की कहानी मत ही सुनिए आप, बताइए। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दशहरा और सेफ दशहरा। तो आई होप सो आज बारिश ना हो तो लोग अच्छे से इंजॉय कर सके दशहरा। और मैंने अभी नाश्ता बना लिया और अभी हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने की पराठा चाय और चोखा, तो अभी जा रहे हैं नाश्ता करने, उसके बाद साहिबा आपको दिखाएगी। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं सुबह सुबह का नाश्ता है हमारा, सत्तू की पूड़ी और चोखा, और साथ में ही ये है चाय। तो इसका कॉम्बिनेशन भी एक अलग ही मज़ा है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। मैं आपसे आगे मिलती हूँ। तो फ्रेंड जैसे कि हिना पे आपको बताए कि आगे के साहिबा दिखाएगी, साहिबा क्या ही दिखाएगी। जा रही है वो झाड़ू पोछा लगाने एज यूजुअल, जो कि उसका काम है। और मेरी मम्मी पीछे से मेरे को बोल रही है बाई वाह झाड़ू पोछा लगाना, मतलब कि मैं बाई हो गई। मम्मी आप बहुत गलत बोली है मेरे को। तो चलिए फ्रेंड्स हम आपको दिखाते हैं, मेरी आई हुई है जहाँ हम लोग का दादी का घर है वहाँ से हमारी एक फूफी आई हुई है, मतलब पापा के मामू की बेटी आई हुई है। तो मैं आप लोग को उनसे मिलवाती हूँ, वो बहुत अच्छी है। तो ये है शवाना फूफी। तो फ्रेंड्स ये आई हुई है और हम लोग को इनके साथ बहुत मज़ा आ रहा है, ये बहुत इंजॉय करवाती हैं हम लोगों को। तो शवाना फूफी आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, इनको इनके साथ बहुत मज़ा आता है हम लोगों को भी। तो चलिए हम आपको हम जा रहे हैं कुछ झटपट अपना काम करने, क्योंकि बहुत लेट हो गया, कुछ ज़्यादा ही वाइट नहीं हो गए, जा रहे हैं हम कुछ ज़्यादा ही, धूप का रिफ्लेक्शन मेरे पे आ गया था। तो हम जा रहे हैं झाड़ू लगाने क्योंकि बहुत काम है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। और पीछे से मम्मी रुबीना से बात कर रही हैं इसलिए आवाज़ आ रहा है। तो चलिए हम आपसे बाद में मिलते हैं। आप देख रहे हैं ये स्टूडेंट जो है मेरा, ये बहुत सोचता है, इसको सोच के लिखने में बहुत इंटरेस्ट आता है। FIF के बाद क्या होगा? हाँ वेरी गुड। सबको हेलो बोल दो। हेलो। बस तो ये देखिए रात तक में पानी इतना ज़्यादा भर गया था और ये अंदर अंदर पूरा घुस गया था जैसे कि आप सब देख सकते हैं। तो ये पूरा पानी, ये तो हम लोग एक टब फेंकने के बाद ये इतना भरा है, वरना बारिश तो कल रात में इतनी ज़्यादा हो रही थी। हम जा रहे हैं मटर लेने क्योंकि आज मम्मी बना रही हैं तहरी। और आप यहाँ देख सकते हैं धूप कितना तेज़ वाला निकल गया है, कितना मस्त मौसम दिख रहा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मटर लेने, सुबह ऐसा मौसम और रात में बारिश, क्या कॉम्बिनेशन है। और मेरे साथ शवाना फूफी भी जा रही हैं, हम इनको जा रहे हैं घुमाने के लिए। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं सामान लाने के बाद। हम लोग आए हैं मटर लेने। भैया पाव भर मटर दे दीजिए। मटर लेने आए हैं हम लोग। इधर शवाना फूफी खड़ी है।
आज अता कर रही है। ये जोहर की नमाज़ पढ़ रही है साहिबा। फ्रेंड्स आप सब देख सकते हैं मम्मी बनाती है तहरी और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत टेस्टी बना है। जो भी हम जा रहे हैं इसको खाने इंजॉय करके। तो फ्रेंड्स हम सब उठे हैं और इधर सो के उठने के बाद एकदम अजीब अजीब करने लगता है और हम उठ के नमाज़ पढ़े हैं। और ही नफी भी अपने कोचिंग में 3 दिन की छुट्टी दी हुई है तो वो भी रिलैक्स कर रही है, सो रही है। दिखाते हैं हम आपको छुट्टी करने चलाने लगे कि नहीं दिखाएंगे। तो चलिए अभी ये देखिए मुँह ढाक कर सो गई। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैं आप लोगों को बताया कि मेरे घर में फूफी आई हुई है तो हम जा रहे हैं उनको लेकर रोज़ गार्डन देखते हैं, क्योंकि इनापी का कल से कोचिंग स्टार्ट हो जाएगा तो फूफी कहीं जा नहीं पाएगी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं और देखते हैं देखने कि रोज़ गार्डन खुला है कि नहीं खुला है। और मेरी मम्मी पहले मेरे को अलार्म दे चुकी हैं कि बेटा तुमको मार्केट लेके चलना है, तो मुझे मार्केट भी जाना होगा। तो देखिए क्या क्या होता है, दिखाते हैं आपको। और बारिश के चलते क्या क्या यहाँ पर हो चुका है, जैन बेहाल हो चुका है। तो आप लोग तो फ्रेंड्स हम अभी देखने गए थे, रोज़ गार्डन बंद है तो हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। उनको हम लोग लेके जाएंगे हमें फुल्की खाने। और अभी दो काम था मेरे को, रोज़ गार्डन जाना था और मार्केट जाना था, जो कि मेरी मम्मी बोली बेटा मार्केट चलो। तो मैं मार्केट में जा रही हूँ तो दिखाती हूँ आप लोगों को कि जहाँ मेला लगा था वहाँ पर पूरा, जहाँ जिधर खाने का पूरा लगा हुआ था पूरा, फ्रेंड्स बारिश कल इतनी ज़्यादा हुई थी कि पूरा वो लोग हटा लिए, मतलब कि पूरा भींग गया टेंट। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि वहाँ का कैसा हो गया है। स्टे ट्यून्ड गाइस। फ्रेंड्स मेला कह रहे हैं, ये मार्केट एज यूजुअल पूरा लगा हुआ है। मम्मी बोल रही थी कि शायद मार्केट लगेगा कि नहीं लगेगा। शबाना के साथ फुल्की खाने, क्योंकि आज मेरा छुट्टी का लास्ट डे है और शबाना भी आई हुई, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना उनको भी मैं फुल्की बना दूँ। तो ये जैसा देख रहे हैं आप, भी हमने भी ब्लैक और वाइट पहना है और ये शबाना भी ब्लैक और वाइट पहनी है। तो जो हम लोग जा रहे हैं अभी, हम लोग आपको आगे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि बारिश कल रात से शुरू हो गई थी, तो कल रात में जो नौमी की चहल पहल रहती है, मतलब नॉर्मल अगर बारिश नहीं होती तो 2-3 बजे रात तक लोग घूमते हैं और फिर मज़ा करते हैं, वो चीज़ें तो ख़त्म हो गई थी कल। बट आज 10वीं दशहरा के दिन थोड़ी राहत मिल गई सबको कि बारिश जो है दोपहर से बंद हो गई है और इसलिए थोड़ा भीड़ देखने को मिल रहा है। और आज विजयदशमी वो रावण दहन भी है, तो यहाँ पर विजय स्टेडियम में काफ़ी बड़े लेवल पे होता है ये रावण दहन, और यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं देखने। और उसके बाद जो है लास्ट में आतिशबाजी भी अच्छी तरीके से होती है, तो और सबको ज़्यादा मज़ा आता है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए गोल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चहल पहल देखने को मिल रहा है और इस कदर भीड़ दिख रही है फ्रेंड्स, जहाँ विजय स्टेडियम के पास रावण दहन होने वाला है बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। तो मैं तो जाऊंगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि वहाँ कितनी भीड़ है। और अभी चलते हैं चाट खाने। तो यहाँ पर भैया जो है आज काफ़ी ज़्यादा चाट बना रहे थे और हम लोग वैसे तो आए थे खाने गोलगप्पे, बट चाट बनते हुए देखकर मन में हम लोगों के भी चाट खाने का लगने लगा कि चाट थोड़ा खा लेते हैं। तो अभी हम लोग अपने लिए एक एक प्लेट चाट बनवा रहे हैं और देखिए एकदम कितना टेस्टी दिख ही रहा है। ये भैया ने बहुत ज़्यादा हर चीज़ें डाली हैं, स्पाइसी खूब बना रहे हैं ये। तो अभी हम लोग ये चाट चखते हैं और फिर आपको बताते हैं कि ये चाट कैसा बना था। खा रहे हैं चाट, ये है यहाँ का चाट, कैसा लग रहा है चाट ये देखिए। तो चलिए चाट खाने के बाद फुल्की खाते हैं, तब आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने एकदम तीखा और चटपटा चाट और गोलगप्पे दोनों का मज़ा ले लिया, हम लोगों ने दोनों खा लिया और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, हम लोग घर जा रहे हैं क्योंकि भीड़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। और मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि विजय स्टेडियम में रावण जलाया जाता है, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा भीड़ बढ़ रही है और इससे पहले की भीड़ बहुत ही ज़्यादा और बढ़ जाए तो हम लोग उससे पहले घर निकलते हैं। और देखिए स्टॉल पर हर जगह भीड़ लगी हुई है, लोग खूब
जो उनको मन चाह रहा है वो खा रहे हैं। और फेस्टिवल का तो थोड़ा अलग ही होता है ना, कि मतलब वो निकलते ही हैं, जो कभी नहीं निकलते हैं घर से वो भी निकलते हैं स्पेशली फेस्टिवल में खाने पीने के लिए। तो उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और अब हम लोग चलते हैं घर, क्योंकि लेट भी हो रहा है और भीड़ भी ज़्यादा बढ़ रही है। तो अब आपसे घर पर चल कर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं तो जा नहीं पाई रावण दहन देखने के लिए, बट मैंने अपनी फ्रेंड से आप लोगों के लिए सिर्फ बोला है कि रिकॉर्ड करके कम से कम थोड़ा सा भेज दे, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि यहाँ पर जो है रावण दहन कैसा हुआ और कितना ज़्यादा वहाँ लोग एक्साइटेड थे वो देखने के लिए। तो देखिए, मैं आप लोगों के साथ कुछ क्लिप्स शेयर कर रही हूँ और आप लोगों से देखिए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, रावण के पुतले में आग लगा दी गई है और आप आवाज़ सुन पा रहे होंगे कि लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड है, कितना हूटिंग हो रहा है, कितने ज़्यादा लोग मतलब खुश है, क्योंकि कोविड के वजह से 2 साल से अच्छे से दशहरा नहीं मनाया जा पा रहा था और इस बार सब अच्छे से एकदम फ्री होके, कोविड से फ्री हो गए हैं। तो आराम से लोग आके अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर तो दशहरे का मैसेज ही इतना बड़ा होता है फ्रेंड्स, कि यहाँ पर बोला जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। और वाकई में ये लोगों के आवाज़ और लोगों की खुशी से पता चलता है कि जब रावण का पुतला जलता है तो वो ऑटोमेटिक उनके अंदर जो मतलब वो खुशी होती है कि हाँ, सच में मतलब अच्छाई जीत गई। तो ये लोगों को अपनी लाइफ में भी ये चीज़ें हमेशा लागू करना चाहिए कि वो अपनी बुरी आदतों को निकाल के अच्छी चीज़ों को ही सिर्फ अपने अंदर रखे और बुरे चीज़ों को नहीं रखे। और आपको बच्चे और बड़े मतलब सब इक्वल खुश थे, सब इक्वली चिल्ला रहे थे, कुछ फ़र्क नहीं लग रहा था कि कौन बच्चा है और कौन बड़ा है। बच्चे तो खुश होते हैं बट बड़े भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। और देखिए, पुतला पूरी तरीके से मतलब जल गया है, अब थोड़ा बहुत कुछ इसमें बाकी है, जल गया है। और अभी जो है एक शो होगा आतिशबाजी का, और वो शो भी हम आपसे आगे आपको ज़रूर दिखाएंगे, तो आप उसको देखिए। और ये मैसेज ज़रूर अपनी लाइफ में लाइएगा फ्रेंड्स, कि अच्छाई को ही सिर्फ अपने अंदर रखिए और सारी बुराइयों को, जिस तरीके से रावण का पुतला जल रहा है वैसे अपनी बुराइयों को अपने अंदर से जलाकर बाहर निकाल दीजिए और दशहरे के इस मैसेज को अपनी लाइफ में भी ले लीजिए। अब हम वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आई होप सो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे और हमारे वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और नेक्स्ट व्लॉग मतलब में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ
पाव भाजी की रेसिपी। बहुत लोगों ने मुझे बोला था पाव भाजी की रेसिपी, तो मैं आपके साथ पाव भाजी की रेसिपी शेयर करूँगी। फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। Bye.